हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है BECIL की तरफ से, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। दिस इज द मिनी रत्न कंपनी। तो देखो यार, मैं पहले आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड एज वेल एज एलिजिबल कैंडिडेट हो वो आगे कंटिन्यू कर सकें, एंड एल्स यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकें, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो मित्र, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर BE BTech कर रखी है तो बोथ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। इवन दोज हु आर नॉट हैविंग टेक्निकल डिग्रीज वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। इट मींस BSc अगर आपने कर रखी है, MSc कर रखे तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। MCA वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। अब देखो मैं पर्टिकुलर ब्रांच बता देता हूँ, जैसे अगर आपने डिप्लोमा में कर रखा है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, मैकेनिकल से कर रखा है, एयर कंडीशनिंग से कर रखा है, देन यू गाइज आर एलिजिबल इन दिस वीडियो। एंड अगर आपने BE BTech कर रखा है, ओनली ऑन CS ब्रांच वाले कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल है। केवल CS ब्रांच से ही आपका BTech होना चाहिए, वही एलिजिबल है इसमें। और देखो मित्र, यहां तक तो ये अच्छी बात है। एक बात और बताता हूँ, दिस जॉब इज प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जो भी एलिजिबल एज वेल एज इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वही वीडियो आगे कंटिन्यू करना। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लो दोस्त, जो भी लीव करके जा रहे हो वीडियो, वो मैं उन सभी लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके जो भी ब्रांच हो जरूर से मेंशन करना। क्यों? क्योंकि देखो मैं आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अब RRB JEE SSC JEE और बहुत अपकमिंग जॉब आने वाली है, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को अपनी ब्रांच मेंशन कर देना और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, उसे जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू अ बेटर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा एज वेल एज प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके ज्यादा कमेंट होंगे। वैसे फिलहाल मैंने अभी मैकेनिकल का डिसाइड किया, अगर कोई और ब्रांच भी निकल के आती है तो मैं उनके लिए भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो दिस इज माई इनिशिएटिव फॉर यू नाउ। अब देखो आगे कंटिन्यू करता हूं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो ये ऑफिशियल साइट है BECIL की। तो जैसे आप नीचे आओगे यहां पर आपको नया रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन का, ठीक है। तो चलो मैं इसको डाउनलोड करता हूं, साइट पे जाकर सीधे दिखाता हूं, और यहां पे आप डायरेक्टली इसको देख भी सकते हो, नोटिफिकेशन में दिखाता हूं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी टेंशन नहीं ले रही है। और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि मैं आप सभी लोगों को जो प्रोवाइड करना चाहूं वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलो फिर मैं आपको दिखाता हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको रिलेवल के बारे में बता देता हूं। आजकल जॉब ढूंढने से पहले रेज्यूमे, एक्सपीरियंस और डिग्री के झंझट में पड़े हो, काम आता है तो जॉब भी मिलनी चाहिए। तो बस रीलेवल बाई अनअकैडमी ऐसे ही फ्री स्किल्स टेस्ट के थ्रू अक्रॉस इंडिया डिजर्विंग कैंडिडेट की जॉब लगवा रहा है। यहां से स्विगी, यात्रा, मीशो जैसे 200 प्लस कंपनीज हायर कर रही है 18 डोमेन्स में। आप रोहित नेहलानी की जर्नी देख लीजिए। रोहित ने 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी फैमिली बिजनेस संभालना चालू कर दिया। 17th की ईयर की यंग एज में उसने प्रोडक्ट मैनेज करना सीख लिया। उन्होंने सेल्स में अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाया। अब जब उसे जॉब चाहिए तो उसके पास दिखाने के लिए डिग्री नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है उसके पास। फिर भी रेज्यूमे और डिग्री के कारण बहुत सी कंपनियां उसको चांस ही नहीं दे पा रही हैं। रोहित ने फिर रीलेवल का बिजनेस डेवलपमेंट के लिए टेस्ट दिया और इस एक स्टेप से आज वो लोमोस एंटरप्राइजेस में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेस्ड है। ऐसे ही बहुत सी स्टोरी है। अभी रीलेवल लेकर आया है रीलेवल सेलेक्ट का सेकंड एडिशन। एक 5 दिन का इवेंट है जहां आप जॉब ले सकते हो इंडिया की बिगेस्ट कंपनी में एकदम मस्त पैकेज के साथ। आपको सिर्फ 15 से 19 जून में फ्री टेस्ट स्लॉट में बुक करना है किसी भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए इवेंट में। बड़ी कंपनी से आपको जॉब ऑफर मिलेंगे सिर्फ आपके स्किल के बेसिस पर। बेस्ट पार्ट है, डेली टॉप स्कोरर्स को मिलेंगे अमेजन वाउचर्स अप टू 30,000, एंड इवेंट टॉपर्स को मिलेंगे अमेजिंग एप्पल गुडीज जैसे कि आईफोन, मैकबुक और आई वॉचेस। एडिशनल इवेंट के टॉप 100 स्कोरर्स को मिलेंगे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट फ्रॉम NSDC। इस बार रीलेवल सेलेक्ट सारी कैटेगरी में अवेलेबल है, तो आप रीलेवल के टोटल 18 डिफरेंट कैटेगरीज में किसी में भी टेस्ट लिख सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो किस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, जल्दी से जाके अपने आप को टेस्ट स्लॉट में बुक करो। तो देखो दोस्त, ये है आपका BECIL का पूरा नोटिफिकेशन, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। देखो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। अब देखो यहाँ पे आपको वो लोअर डिवीजन का दे रखा है, इसमें 12th पास ही मांगा है, 18,000 सैलरी होने वाली है। टोटल मैक्स टू मैक्स सैलरी आपकी प्रोग्रामर की जो है वो 44,500 के आसपास होने वाली है, ठीक है। अब देखो नीचे आओगे तो लाइब्रेरियन, अगर BSc डिग्री किसी के पास है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और डिजायरेबल है, देखो 2 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, 2 साल का कंपलसरी नहीं है। देखो वैकेंसीज भी यहाँ प्रोवाइड कर रखे, स्टेनो की वैकेंसीज हैं, जूनियर वार्डन की वैकेंसीज हो गई, फिर स्टोर कीपर की हो गई, मास्टर डिग्री। अब देखो मैं असेंशियल 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जेई इलेक्ट्रिकल फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, 35,000 आपको होने वाला है। एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजायरेबल, फिर दोबारा से बोल देता हूँ, JEE SC & R में आपका देखो एयर कंडीशनिंग से कर रखी है आपने पॉलिटेक्निक, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रही है तो आप इसमें एलिजिबल, असेंशियल यानी कि आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर मास्टर डिग्री आपके पास में तो आप एलिजिबल हो जाते हो, बैचलर डिग्री है तो भी एलिजिबल हो जाते हो। योगा इंस्ट्रक्टर देख रखा है ऐसे ही, ठीक है। फिर डिप्लोमा फार्मेसी वगैरह प्रोग्रामर, अब देखो यहां पे ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया BE BTech इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और MCA भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है। वैसे MCA जनरली एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको एलिजिबल कर दिया है। नाउ आपकी जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली है 44,900, तो काफी अच्छी आपका रिक्रूटमेंट ये हो सकता है। तो दोस्त आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया इसमें, और देखो मैं नीचे बता देता हूँ आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह होगा, और भी जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो आगे इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा।
तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। एप्लीकेशन जो भी होंगे सारे ऑनलाइन सबमिट करने आपको, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइट दिखाई थी वहीं जाके और मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहां से हो जाएगी। लास्ट डेट जो आपकी होने वाली है 28/6, यानी कि इसी मंथ की 28 तारीख आपका लास्ट डेट है। तो जल्दी से भर दे जाना, हार्डली यू हैव ओनली 10 डेज लेफ्ट, ओके। तो 10 दिन बचे हैं आपके पास में और ऐसे अप्लाई कर देना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ मेंशन कर रखा है, फीस की बात करूँ मतलब लूट रखा है फीस में, तो जनरली पूरा लूट रखा है आपको। देखो भाई साहब, जनरल में हो तो 750 रुपये, OBC में हो तो भी 750 रुपये, EWS में हो तो आपको 450 पे करने हैं, इसमें देखो छूट दे रखी है EWS के लिए। SC ST हो तो भी 450 रुपये, वुमेन हो फिर भी 750 रुपये, तो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा दे रखा है इन्होंने। तो अपना देख लेना कि कैसे आपको अप्लाई करना है, जो भी इंटरेस्टेड हो। देखो इससे आपका जो है एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, जैसे आगे किसी में अप्लाई करोगे तो देखो अब सब में एक्सपीरियंस आने लग गए। अब तो देखो अग्निपथ जो वो निकली है स्कीम, उसमें भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ही हो गया, 4 साल है, उसके बाद में फिर प्रेफरेंस मिलेगी, तो वो तो मतलब क्या ही बताऊं मैं, तो वो चल रहा है। तो इसी से रिलेटेड अब आप इसमें देखो जितने भी साल की आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है उतना लेने की कोशिश करो, कहीं भी आपकी जॉब लगने की फिर शंका बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। और देखो इसमें यहाँ दे रखा है, कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड वाया ईमेल, टेलीफोन, SMS फॉर स्किल टेस्ट के लिए, या फिर जो भी आगे फर्दर इनका वो होगा किस बेसिस पर सिलेक्शन करेंगे। देखो यहाँ लिख रखा है कि रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑन सिलेक्शन। इसका मतलब ये हो गया, सपोज करो अगर आप प्रोग्रामर के लिए भर रहे हो CS वाले कैंडिडेट, तो आप सभी लोगों को रिटन टेस्ट देना पड़ेगा एज वेल एज योर इंटरव्यू। केवल इंटरव्यू भी हो सकता है, वो आपको एज अ उस पर डिसाइड किया जाएगा ईमेल पे, ठीक है। तो मिनिमम 4 साल का ये आपका होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट। देखो स्टार्टिंग में इन्होंने लिख भी रखा है मिनिमम 4 साल का, और एक्सटेंड भी कर सकते हैं 1-2 साल का, वो एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो मिनिमम 4 साल का तो आपका होना ही वाला है, और फिर उसके बाद में देखो अभी आप अप्लाई कर दो, बाद में डिसाइड करना कि मेरे को जाना है नहीं जाना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो भैया कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच जरूर मेंशन करके जाना मुझे, जिससे कि मैं आगे जितने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे जिस ब्रांच के, मैं उन्हीं के क्या बोलते हैं मेन सिलेबस, मैकेनिकल का होगा तो मैकेनिकल का प्रोवाइड करूंगा, CS के होगा तो CS का प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। पूरा सिलेबस पूरा एंटायर ऑन द बेसिस ऑफ KEAT, ESE सब उसमें कवर होगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, और आपको मैं एक अलग से ग्रुप बना दूंगा जिसमें आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा आपको जैसे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।